हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन चौहान आज फिर एक नए संविचार के साथ। जीवन की हर विकट परिस्थिति में अपनी बंदगी और परिश्रम पर ही विश्वास रखें। एक बार राजा अकबर शिकार करने जाते हैं। रात के घने अंधेरे में वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें अंधेरे में दूर एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में गरीब इंसान रहता था। उस इंसान ने बड़े ही प्यार से राजा को अपनी कुटिया में बुलाया और उनकी भोजन की व्यवस्था की, उनके सोने की व्यवस्था की। सुबह उठकर जब राजा वहां से जाने की तैयारी करते हैं, तब वह गरीब इंसान से कहते हैं कि मैं इस मुल्क का राजा हूँ, तुम्हें जब कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मेरे दरबार में आ जाना। एक बार जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती। उस बाढ़ में उस गरीब इंसान की झोपड़ी बह जाती। वह रास्ते पे आ जाता। तब उसे उस राजा की बात याद आती और वह राजा के दरबार में जाता है। वह वक्त नमाज का होता है और राजा उस वक्त दोनों हाथ फैलाकर ऊपर आकाश में देखकर नमाज अदा कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ गरीब इंसान बाहर खड़ा रहकर देखता है। जब राजा बाहर आते हैं, तब वह गरीब इंसान को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब वह गरीब इंसान पूछता है कि हे राजा, आप ये ऊपर देखकर दोनों हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? तब राजा बड़े ही प्यार से कहते हैं कि मैं ऊपर देखकर खुदा की बंदगी कर रहा था और अपने दोनों हाथ फैलाकर खुदा से रहमत मांग रहा था। यह सुनकर वह गरीब इंसान कुछ सोचने लगता है और फिर वहां से चलने लगता है। यह देखकर राजा बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें रोककर पूछते हैं, आप यहाँ से खाली हाथ बिना कुछ लिए क्यों लौट रहे हो? तब वह गरीब इंसान बड़ा ही प्यारा जवाब देता है। उस गरीब इंसान ने बहुत ही प्यारी बात कही कि मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने ही आया था, मगर देखा कि आप ही किसी और से मांग रहे हो, तो मैं आपसे भला क्या मांगू? मैं सीधा उस परवरदिगार से ही मांगूंगा जिसने आपको भी ये सब दिया है। उस गरीब इंसान ने बहुत ही प्यारी बात कही। जीवन में हमेशा अपनी बंदगी पर ही विश्वास रखें। ईश्वर सबकी सुनता है, आपकी भी जरूर सुनेगा। इसी सद्विचार के साथ फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।